नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। बड़ी अच्छी दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो है आप सबके लेके आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से लेके आया हूँ दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज करा जा रहा है टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर की तरफ से। काफ़ी अच्छी दोस्तों ये अपडेट जो है वो रहने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। ये नोटिफिकेशन दोस्तों 10/7 को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन आप जो है अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं अभी जो है आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन मोड से आपको जो है आवेदन करना है। यहाँ पे दोस्तों इस जॉब की खास बात ये है कि इसमें जो है 1 साल का आपको जो है वो एक तरह का इंटर्नशिप जो है वो दिया जाएगा। आपको मौका मिलेगा इंटर्नशिप करने का टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 हैं, यानी कि 25 इंटर्न जो है वो रखे जाएंगे इस डिपार्टमेंट में। यानी कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे इसके दौरान आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो है जब आप 1 साल कंप्लीट कर जाएंगे तो आपको लास्ट में जो है वो सर्टिफिकेट भी देंगे, जो कि आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। एक तरह का एक्सपीरियंस होगा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा। तो काफ़ी अच्छी जो है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। तो ये दोस्तों 12 मंथ का हो सकता है या 6 मंथ का हो सकता है, 6 मंथ का पहले होगा, हो सकता है 12 मंथ का भी हो जाए। लेकिन इसके दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो अच्छा खासा है, यानी कि 15,000 स्टाइपेंड मिल रहा है। अगर आप किसी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जो दोस्तों जो है आपको मिलता है ज़रा ज़रा 8,000, 6,000, 5,000, और किसी में तो 3,000 और किसी में मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है वो स्टाइपेंड मिल रहा है, तो ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। अच्छी बात एक और है कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे दोस्तों जो है थर्ड और फोर्थ ईयर, यानी कि फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री करी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में, रेडियो में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने कंप्लीट कर ली है वो भी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे विजिट करना मत भूलेगा। बाकी मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इंटर्नशिप का पीरियड कैट कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे 6 मंथ का ये रहने वाला है, लेकिन इसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 12 मंथ के लिए। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। तो ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कहाँ पे, जो आपको एक फॉर्म जो है यहीं पे मिलेगा नीचे इसी नोटिफिकेशन में, उसको आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं और अच्छी तरह से जो है उस पर सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करके यहाँ पे जानकारी उसकी दी गई है। और साथ में जो है आपका CV जो है वो अटैच करना है और उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे एड्रेस वैसे दिया गया है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से रीड करके आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं और फ्री में आवेदन जो है वो करना है। सिलेक्शन दोस्तों कैसी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से। यहाँ तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, यानी कि टेलीफोन पर इंटरव्यू होगा, या आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसी के थ्रू जो है आपकी सिलेक्शन होगी। बात करते हैं दोस्तों की सैलरी, तो मैंने आपको पहले बता दिया स्टाइपेंड 15,000 जो है आपको मिलने वाला है। साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा जब 1 साल का कंप्लीट कर जाएंगे, जिसमें आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये वो फॉर्म है, इसको फिल कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को जो है वो जल्द ही सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो ऐसे दोस्तों आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिए, क्योंकि फाइनल ईयर एलिजिबल है। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया ये फ्रेशर्स हैं तो भी इसके लिए आवेदन कीजिए। BE BTech वालों के लिए रिक्रूटमेंट है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर आपने करी हुई है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।